आपको मालूम है कि आज इलेक्शन कमीशन ने चुनाव के डेट अनाउंस कर दिए हैं हमारे स्टेट में। चुनाव जो है 7 तारीख को होगा, 7 दिसंबर, और उसकी काउंटिंग, वोटों की काउंटिंग 11 दिसंबर को होगी। इसके तहत उनके कुछ स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से, तो बहुत सारे काम जो है 24 घंटे के अंदर किए जाते हैं, बहुत सारे काम 48 घंटे के अंदर किए जाते हैं, और कुछ हैं जो कि 3 दिन के अंदर किए जाते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट ऑफिसेज में अगर कोई पोस्टर बैनर वगैरह लगा हुआ है, कोई पब्लिसिटी मैटर लगा हुआ है, तो उसको 24 घंटे के अंदर हटाने की सख्त हिदायत है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। और 72 आवर्स में बाकी सारा भी क्लियर किया जाता है। 72 आवर्स में जितने लिस्ट ऑफ वर्क्स ग्राउंडेड हो गए हैं उनकी लिस्ट दी जाती है, ताकि कल को कोई ये नहीं कहे कि ये काम नया शुरू हो रहा है, पुराना शुरू हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इस अनाउंसमेंट के साथ साथ इमीडिएटली हम पुलिस को भी इंस्ट्रक्शंस देंगे कि वो लेकर पे कैश पे निगरानी रखे, अपने मोबाइल और स्टैटिक टीम्स डिप्लॉय करें, वीडियोग्राफी टीम्स डिप्लॉय करें। उसके सारे डिटेल्स ऑलरेडी वर्कआउट हो चुके हैं, हमें बताया गया कि वो तैयार हैं, तो उनको आदेश देंगे। इलेक्शन से एक दिन पहले दिसंबर 6 है, तो उसके लिए क्या तैयारी आपने की है, क्योंकि मुस्लिम्स के साथ जो वो तो हम जैसे मॉनिटर करेंगे नहीं, ऐसी बात नहीं है। आई थिंक लाइक हमारे हर साल दिसंबर 6 आ रहा जा रहा है, ऐसे तो कोई लॉर्ड एंड ऑर्डर के हमारे हिसाब से आए नहीं नज़र में, लेकिन अगर कोई फीडबैक आएगी, इफ देयर इज एनी फीडबैक ऑन दैट, कोई अगर इंसिडेंट होगा, तो वी विल मेंटेन स्ट्रिक्ट विजिल ऑन दैट। दिसंबर 7th भी फ्राइडे है, तो माइनॉरिटीज के लिए कुछ स्पेशल अवेयरनेस के लिए कुछ कैंपेन चलाया जाएगा, क्योंकि फ्राइडे की नमाज के लिए, क्योंकि टाइमिंग के लिए अगर पाबंदी होगी तो मुश्किल हो जाएगा नमाज के लिए आना जाना, तो उसके लिए कुछ खास होगा। अभी डेट्स अनाउंस हुए, इतनी तो डिटेल में हमने नहीं सोचा है, लेकिन अगर आपकी तरफ से कुछ सुझाव होगा कि कैसे हम इसको बढ़ावा दे सकते हैं।